हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज और आज मैं आपके साथ में क्विकली एक बहुत ही आसान सा टिप शेयर करने वाली हूँ। ये आज का टिप स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके अपने बॉस के साथ आर्ग्यूमेंट ज़्यादा रहते हैं या ऑफिस के कलीग्स के साथ आर्ग्यूमेंट ज़्यादा रहते हैं या फिर नेबर्स के साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हैं या कोई आपको अननेसेसरी बहुत ही ज़्यादा परेशान करने के बहाने ढूंढता रहता है। तो आपको एक पेपर लेना है वाइट कलर का और एक ब्लैक कलर का पेन लेना है। उस पेपर के ऊपर आपको यहाँ पर पर्सन का नेम लिखना है, नेम ऑफ द पर्सन जो आपको परेशान करता है। एक डाउन एरो ड्रॉ करना है उसके नीचे और उस एरो के नीचे फिर आपको अपना नाम लिखना है। इस एरो के ऊपर फिर आप लिखेंगे रिलीज मी फ्रॉम योर थॉट, रिलीज मी फ्रॉम योर थॉट। ये आपने 7 टाइम्स लिखना है। मेक श्योर जो ये रिलीज मी फ्रॉम योर थॉट आप लिख रहे हैं, ये डाउन एरो को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो एरो इतना बड़ा ड्रॉ करें जिसमें कि 7 टाइम्स आप इस चीज़ को लिख सके। वंस यू विल कंप्लीट दिस, इसके बाद आपको इस पेपर को आउटवर्ड्स डायरेक्शन में 7 टाइम्स फोल्ड करना है। जब आप इसको आउटवर्ड डायरेक्शन में फोल्ड कर लेंगे 7 टाइम्स, उसकी इस तरह से एक स्लिप बन जाएगी। नाउ इसके बाद आपको क्या करना है, एक कांच का बाउल लेना है जिसमें आपको पानी भरना है और उसमें इसको डिप कर देना है एंड लीव इट ओवरनाइट। इसको आप घर से बाहर रखेंगे, अपनी बालकनी में भी रख सकते हैं पर रूम के अंदर नहीं रखेंगे। रात भर इसको छोड़ देंगे एंड नेक्स्ट डे बिफोर सनराइज आपको बाउल लेकर अपने टॉयलेट में फ्लश कर देना है कम्प्लीटली। बाउल नहीं, पानी और इस स्लिप को फ्लश करना है। नेक्स्ट डे अगेन फिर से सेम यही प्रोसेस रहेगा। ये पूरा प्रोसेस आपको 7 डेज करना है। इस 7 डेज में यू विल सी कि जिसके साथ आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब है, धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव होने लगेंगी। और ये लिखने का प्रोसेस आप सेम डे स्लिप्स बनाकर नहीं लिखेंगे, ये जब भी आप सोने जा रहे हैं तो सोने जाने से पहले आपको इसे लिखना है। जब आपका डिनर कम्प्लीट हो जाए एंड आप रिलैक्स मूड में जा चुके हैं, सोने ही जाने वाले हैं, उसके बाद फिर आप अपना ये राइटिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे एंड ये रेमेडी आपको 7 डेज कंटिन्यूसली करना है। थैंक यू।